बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर बतौर चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 39th एनुअल PSC आपसे मुखातिब हूँ। इस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मैं आपको सबसे पहले तहे दिल से इनवाइट करना चाह रहा हूँ कि आप इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाएँ और इज़्ज़त बख्शें और इस कॉन्फ्रेंस को चार चांद लगाएँ। कॉन्फ्रेंस की खूबसूरती कॉन्फ्रेंस के शुरका के अलावा एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक प्रोग्राम होता है, और इस दफ़ा हमने जो साइंटिफिक प्रोग्राम हमारी साइंटिफिक कमेटी ने मुंतखब किया है, बिलीव यू मी इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट। और आपका गुजारा हुआ ये वक्त लाहौर में आपके लिए क्वालिटी टाइम होगा, और आपके आने वाले बहुत सारे दिनों में पेशेंट केयर को, आपकी प्रैक्टिस को ये शेप कर रहा होगा। इसमें ख़ास तौर पे टेलर मेड हमने कुछ सेशन ऐसे बनाए हैं जो आज की प्रैक्टिस के लिए मददगार हैं। उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा 2 दिन की लाइव एंडोस्कोपी वर्कशॉप को, जिसमें हम लाइव एंडोस्कोपी प्रोसीजर्स कर रहे होंगे, और ये 2 दिन की वर्कशॉप होगी, 9 to 5 होगी, और इसमें क्लोज इंटरेक्शन होगा बिटवीन द ऑडियंस एंड द परफॉर्मर्स, और ये परफॉर्म करने वाले वर्ल्ड एंडोस्कोपी लीडर्स हैं। इसके अलावा जो ब्रेकफास्ट सेशंस हैं, ख़ास तौर पे इनमें कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट सेशन हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें क्लोज़ इंटरेक्शन के ज़रिए आप बहुत कुछ सीखेंगे। उसमें ख़ास तौर पे काबिले ज़िक्र जो है वो अपर GI ब्लीडिंग वर्कशॉप है। इसमें आपको पता है कि एंडोस्कोपी के दौरान ब्लीडिंग एक लाजमुल मलजूम किस्म का एक फिनोमेना है, और उसके ट्रिक्स एंड जो हैं उसको सीखने के लिए 20 एंडोस्कोपी क्लिप्स हमने मुंतखब किए हैं, जिसमें वर्ल्ड लीडर्स इंटरेक्ट करेंगे और उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे मास्टर्स ऑफ ERCP ब्रेकफास्ट सेशन है, जिसमें इस शोबे के वर्ल्ड लीडर हैं वो आके ट्रिक ऑफ डिफ़िकल्ट केसेस 1-to-1 डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा मैनोमेट्री वर्कशॉप हमारी एनुअल वर्कशॉप का एक हिस्सा है, जिसमें फंक्शन बॉल डिसऑर्डर पे सेशन होने के अलावा एक मैनोमेट्री वर्कशॉप भी रखी गई है, एंडोटेक्निशियन वर्कशॉप, और वो भी एक नमाया प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके अलावा एक ख़ास अहम चीज़ जो है, आप सब लोग जानते हैं कि हमारी हेपेटाइटिस की जो प्रिवेलेंस है बहुत ज़्यादा है, और उसके ज़ेरे असर हमारी एजिंग पॉपुलेशन में अब हेपेटोसेलर कार्सिनोमा का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। तो इसलिए एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, ऑनकोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और डिस्ट्रिक्ट फिजिशियन या फिजिशियंस का इंटरेक्शन जो है एक वर्कशॉप की सूरत में HCC वर्कशॉप के नाम से हमने मुंतखब किया है, जिसमें आप उन पेशेंट्स को हेल्प कर सकेंगे जो डेली बेसिस पे आपको हेपेटोसेलर कार्सिनोमा के साथ आपके पास प्रेजेंट हो रहे हैं। इसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट लेक्चर्स हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन है विद अ फॉरेन फैकल्टी, और उसके अलावा जो सबसे अहम, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि सोशल नेटवर्किंग है, नेशनल इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ एक नेटवर्किंग का एलिमेंट जो है इस कॉन्फ्रेंस में आप नुमाया तौर पे देखेंगे। और आप सबको पता है कि लाहौर एक हिस्टोरिकल सिटी है, और इसमें इसे हैपनिंग सिटी, और इसमें देखने के लिए, विज़िट करने के लिए बहुत सारी जगह हैं। तो इस वक्त को जो आप लाहौर में गुजारेंगे, आई एम श्योर आपके लिए यादगार होगा। और आखिर में मैं फिर आप सबको इनवाइट करना चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाएँ और इज़्ज़त बख्शें और हमें मेहमान नवाजी का मौका दें। डाइजेस्टिव डिज़ीज़ डाइजेस्ट हमारा कॉन्फ्रेंसिस का एक लाजमी हिस्सा है, और हम आखिर में उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इसकी पब्लिसिटी में, उसको लोगों तक मालूमात इस कॉन्फ्रेंस के बारे में पहुँचाने में बहुत ही मावन है, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं।